नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल बाजरे के ढोसे की रेसिपी। फ्रेंड्स, दाल चावल के ढोसे से बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है फ्रेंड्स, स्पेशली विंटर में। साथ ही इसके साथ खाए जाने वाली दो तरह की चटनी की रेसिपी है, जो कि बहुत ही ईजी और फटाफट बना के रेडी करेंगे। और इस परफेक्ट डोसा के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में एक कप ले रही हूँ बाजरा। ये साबुत बाजरा है फ्रेंड्स, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, और यदि आपको नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाजरा में बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, काफ़ी हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। साथ ही ले लेंगे आधा कप धुली हुई उड़द की दाल, आधा कप धुली हुई मूँग की दाल। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से धो लेना है, क्योंकि दाल और बाजरा में काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो इसे हम पानी डाल के अच्छे से रब करते हुए अच्छे से धो लेंगे। आप नल के नीचे भी इसे ले जाके धो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1 से 2 मिनट रब करने के बाद इसमें से कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है, तो इसे नल के नीचे ले जाके मैंने भी यहाँ पर 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, और पानी डाल के इसे हम छोड़ देंगे भीगने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए, क्योंकि बाजरा को थोड़ा सा भीगने में टाइम लगता है। 7 से 8 घंटे के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से भीग गई है, यानी कि फूल गई है। बाजरा भी अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो अब इसे हमें पीस लेना है, इसका बैटर रेडी करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मिक्सी के जार में हम लोग सारे दाल और बाजरा को ऐड कर देंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं लेना है, नहीं तो हो सकता है कि बैटर गीला हो जाए। तो शुरू में बस इतना ही पानी डालेंगे कि ये अच्छे से मिक्सी का जार घूम सके। तो मैंने सारे के सारे बाजरा और दाल को बड़े वाले जार में शिफ्ट करके इसे पीस लिया है। और ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आधा कप जैसा पानी डालूँगी। मैं दाल और बाजरे को भिगोई थी वही पानी का यूज़ कर रही हूँ इसे पीसने के लिए, और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी कर देंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। बाजरा को पीसने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसे अच्छे से पीस लेना है। अब इसे रखने के लिए, यानी कि इसका फर्मेंटेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें किचन का कोई भी इस तरह का डब्बा ले लेना है, जिसका कि जो ढक्कन है वो अच्छे से टाइटली बंद होता हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह का स्टील वाला डब्बा ले रही हूँ, और उसमें सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और मिक्सी का जार धो के भी मैंने थोड़ा सा इसमें ले लिया है, ताकि वो वेस्ट ना हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए इसे फेंट लेंगे। फेंट लेने से इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। बस ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसा डब्बा लेना है जिसका ढक्कन टाइटली बंद हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने फेंट लिया है। अब इसका ढक्कन हम लोग बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। यदि गर्मी का सीज़न होगा तो 4 से 5 घंटे में ये फर्मेंट हो जाएगा, बट विंटर में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उसके लिए तो आप जो मैं करती हूँ वो ये है कि इसे मैं धूप में रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। यदि आपके यहाँ धूप की सुविधा ना हो तो इसे गर्म कपड़े में रख के कोई भी काउंटर टॉप में बंद करके रख सकते हैं, जहाँ इसको गर्माहट मिल सके। तो इसे हम छोड़ देते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ। तो उसके लिए एक पैन में आधा कप मूंगफली के दाने को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इसमें डॉट आने लगे, यानी कि ये आधा भुन जाए, उस स्टेज पे हम लोग इसमें आधा कप चने की दाल डाल देंगे, और दोनों को एक साथ हम लोग रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ जाए दाल में, उसी स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल के हम रख लेंगे। उसके बाद हम चलिए बनाते हैं पहला चटनी हमारा प्याज टमाटर की। उसके लिए यहाँ पे 2 से 3 छोटे चम्मच तेल लेंगे, और 1 छोटा चम्मच डालेंगे उसमें धुली हुई उड़द की दाल, और 2 लेंगे सूखी लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च बहुत तीखी वाली है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिया है। यदि आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च है तो आप 3 से 4 मिर्ची लें, उससे इस चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद 4 से 5 लहसुन की कली और थोड़ी सी अदरक ले लेंगे, उसको भी इस तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, इस तरह से स्लाइस में कटे हुए। इन प्याज को हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना, ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, कलर हमें चेंज नहीं करना है किसी का। उसके बाद हम लोग इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे स्लाइस में कटा हुआ डाल लेंगे। तो ये प्याज टमाटर की चटनी भी बहुत ही यूनिक टेस्ट लाता है फ्रेंड्स, और जब भी हम बाहर डोसा इडली खाते हैं ये चटनी हमें मिलता है। काफ़ी तीखी होती है और टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, और 1/2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इसे हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आपने खड़ा काश्मीरी लाल मिर्च लिया है तो पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे ताकि इसे हम इजीली ब्लेंड कर सकें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वो मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उसके बाद इसे हम मिक्सी के जार में ले लेंगे और हमने जो मूंगफली और दाल भून के रखा था उसके 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें ऐड करके इसे हमें पीस लेना है। तो हम बिना पानी का पहले पीसेंगे और एक बार ग्राइंड करने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से पीस जाएंगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका फाइन चटनी बना के रेडी कर लेंगे। तो कभी भी किसी चीज़ की चटनी बनाएं तो पहले बिना पानी का एक बार ग्राइंड जरूर करें, उसके बाद पानी डाल के आप पीसेंगे तो बहुत ही ईजिली पीस के तैयार हो जाती है। तो ये हमारी पहली चटनी जो है प्याज टमाटर की, बहुत ही फटाफट और टेस्टी बन के तैयार है। दूसरा चटनी बनाने के लिए 1/2 कप लेंगे नारियल, मैंने यहाँ पे ताज़ा नारियल लिया, आप चाहें तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। साथ ही लेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा चम्मच जैसा इमली, इमली के दाने निकाल के लेंगे और फिर से हम वही मूंगफली और दाल जो हमने भून के रखा था उसके 3 से 4 चम्मच ले लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर इसे में भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका फाइन चटनी बना के रेडी कर लेंगे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे सांभर चटनियों की रेसिपी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे दोनों तरह की चटनियाँ बनके तैयार है। अब इन दोनों चटनियों के लिए हम तड़का बना लेते हैं फटाफट। तो तड़का पैन में मैं यहाँ पे 3 से 4 छोटे चम्मच तेल ले रही हूँ, मैं यहाँ रिफाइंड तेल का यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। और 1/2 छोटा चम्मच लेंगे सरसों के दाने, 1 लाल मिर्च, और सरसों के दाने बहुत ज़्यादा छिटकते हैं तो उसके लिए मैं एक प्लेट इसके ऊपर से ढक देती हूँ ताकि बाहर ये निकल के ना आए। उसके बाद लो फ्लेम पे अच्छे से इसको चटका लेंगे और सबसे लास्ट में डालेंगे कड़ी पत्ता और फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो कड़ी पत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा जल जाता है तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। और उसके बाद इन चटनियों में हम तड़का लगा लेते हैं, तो 2 से 3-3 चम्मच करके इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे दोनों तरह की चटनी बिल्कुल झटपट तरीके से बनके रेडी है फ्रेंड्स। अब चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे 2-3 घंटे धूप में रखने के बाद मैंने इसको किचन के काउंटर टॉप में बंद करके रख दिया था, क्योंकि ठंड बहुत है तो थोड़ी सी परेशानी होती है फर्मेंट होने में, लेकिन इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए बहुत ही ईजीली हमारा फर्मेंट हो गया है, यानी काफ़ी जालियाँ पड़ गई हैं और हमारा बैटर फूल गया है। आप देख सकते हैं बाजरे का कलर थोड़ा ग्रे कलर का होता है, तो इसका रोटी या फिर लड्डू कोई भी ग्रे कलर का या फिर ब्लैक टाइप में बनता है, तो इससे आप परेशान ना हो। तो ये हम यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह का बैटर तैयार होगा फ्रेंड्स, तो इससे आप इडली भी बहुत सॉफ्ट बनेगा और डोसा भी काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो इडली के लिए तो ये बैटर परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम डोसा बनाएंगे इसलिए इसमें मैंने 1/2 कप जैसा पानी डाल के इसके घोल को थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि हमें डोसा का बनाने में ईजी हो। तो देखिए आप इसका बैटर जो है बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, लेकिन एक डोसा बनाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी को हम सेट करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाने से फिर दिक्कत होता है। तो चलिए डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए हम एक फ्लैट तवा लेंगे, चाहे वो नॉन स्टिक का हो चाहे लोहा का हो, किसी में भी बहुत ईजीली बन जाता है, बस फ्लैट होना चाहिए। तवा को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम पर रख के 2-3 बूंद तेल डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद पानी के कुछ छींटे मारेंगे। तवा इतना गर्म होना चाहिए कि पानी के छींटे मारते के साथ ही उस तरह से बबल्स बनके वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद कोई भी कपड़ा या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डोसा बनाएंगे। तो पहला डोसा बनाने से तवा इस तरह से ज़रूर तैयार कर लें, फिर 1 से 1.5 बड़े चम्मच का बैटर डालेंगे और बीच में 3-4 बार घुमाएंगे फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद बढ़ाते हुए इस तरह से घुमाते जाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि डोसा ख़राब हो जाए, ये बस प्रैक्टिस की चीज़ है फ्रेंड्स। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो हो सकता है कि 1 या 2 डोसा ख़राब भी हो जाए, लेकिन आप 1-2 डोसा बनाते बनाते आपकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डोसा मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस बैटर में 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके इसका टेक्स्चर को सही कर लेंगे। तो इस तरह का ट्राई आप हमेशा करें, क्योंकि कभी कभी हमें होता है कि अंदाज नहीं लगता और एकदम से हम बैटर को पतला कर देंगे तो फिर बाद में हमें दिक्कत हो सकती है, उसे गाढ़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो गाढ़ा रहेगा तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं।
जब ऊपर का लेयर अच्छे से सूख जाए डोसे का, तब उसमें हम लोग तेल या फिर घी लगा के स्प्रेड कर देंगे। इस तेल लगाने से इस डोसे का कलर बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो डोसा जो होता है बीच में पहले इसका कलर चेंज होता है, उसके बाद किनारे किनारे इसका कलर चेंज होता है। तो मैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखाई हूँ कि कैसे इसका कलर बहुत ही सुनहरा सा हो जाएगा तीन से चार मिनट में। तो डोसा, एक डोसा को बनने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा फ्रेंड्स। बस फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखना है। हाई में रखेंगे तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, और लो में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक डोसा को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किनारों में पहले कलछी को चला के इसको हम लोग निकाल लेंगे, और ये देखिए कितना शानदार सा कलर आया है इस डोसे का, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट वाला, सुपर क्रिस्पी। ये दाल चावल का जो डोसा बनता है फ्रेंड्स, उससे काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और टेक्सचर तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होता है ये देखिए। तो चलिए फटाफट मैं दूसरा डोसा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो दूसरी बार भी मतलब जब भी हम डोसा बनाएंगे, पानी के छींटे लगाएंगे, उसके बाद हम लोग टिश्यू पेपर से पोंछेंगे, फिर बैटर को हम लोग इसमें स्प्रेड करेंगे। बैटर डालने के बाद बीच में ही 3-4 बार हम लोग घुमाएंगे, ताकि डोसे का जो बीच का पोर्शन है वो मोटा ना हो पाए। उसके बाद हम लोग डोसा को बढ़ाते हुए चारों तरफ से फैलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान से आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, बस डोसा को ध्यान रखना है फ्लेम का, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें पकाएंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। उसके बाद जब ऊपर का लेयर सूख जाएगा, हम लोग तेल या घी लगा लेंगे और इसको हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो एक डोसा को बनने में 4 से 5 मिनट का टोटल टाइम लग जाता है। और देखिए, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था बैटर में, तो ये हमारा जो दूसरा डोसा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ, यानी कि काफ़ी पतला, काफ़ी क्रिस्पी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से झटपट आप बहुत ही हेल्दी तरीके से विंटर में इस डोसा को इन चटनियों के साथ बना सकते हैं। ये लीजिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला, बल्कि मार्केट से भी काफ़ी अच्छा और क्रंची डोसा हमारा बनके यहाँ पे रेडी है फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसके साथ सांभर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप झटपट तरीके से ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में इसे बना सकते हैं। एक डोसा को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची है और कितना सुपर क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। तो ये रेसिपी आपको आज कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।